आज चंदन क्यारी में सभा करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ना शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जो इससे बिल्कुल साथ में है, अब मेरी दिलचस्पी उसमें है, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि उस तरफ दिखाएं मोदी को विदा करने के लिए किस तरह से। यहाँ देखिए अब दूसरा हेलीकॉप्टर इधर से उड़ने के लिए तैयार है और ये है दूसरा हेलीकॉप्टर और सबको उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री उसमें हैं, तो दूसरे हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री वहाँ के लिए निकल चुके हैं, यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए ये सुरक्षा के लिहाज से आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री आमतौर पर 3 हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करते हैं और अब वो तीनों हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ चुके हैं। और इस तरफ आप देखेंगे ये जो भीड़ आपको दिख रही है हमारे पीछे, वो मोदी को देखने के लिए उत्सुकता है या हेलीकॉप्टर्स को देखने की उत्सुकता है इस ग्रामीण इलाके में, ये भी देखने की बात होगी। और हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं जो शायद आपने पहले हेलीकॉप्टर देखा था? देखे थे लेकिन ऐसे नहीं देखे थे, इतना नजदीक से नहीं देखा था। नहीं, तो आप मोदी जी को देखने आए थे, हेलीकॉप्टर देखने आए थे? हम मोदी जी को भी देखने आए थे। मोदी जी को देखना है? हाँ। मोदी जी पसंद है? हाँ। अरे आप आए थे मोदी जी को देखने आए थे कि हेलीकॉप्टर देखने? मोदी जी को। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कहना है कि ये भी मोदी जी को देखने आए थे। उनके भाषण का कितना असर इन बच्चों पर होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि मोदी जी को लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो भी बहुत है और जो अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है जो अब निकलेगी जबकि मोदी यहाँ से विदा हो चुके हैं। उनके भाषण में जो ऊर्जा रहती है, और उधर हमारे सामने वो तीनों हेलीकॉप्टर्स एक साथ दिख रहे हैं, मैं कैमरामैन को दिखाना देखने सामने ठीक सामने देखिए वो तीनों हेलीकॉप्टर्स सामने उड़ रहे हैं, बेहद खूबसूरत दृश्य है। और अब हम कह सकते हैं कि चंदन क्यारी के आसमान से एक तरह से विदाई ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। धीरे धीरे लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं और बच्चों को लेकर आप हैं, इन बच्चों के साथ आए हैं? अरे वाह, तो इन बच्चों को अभी से मोदी के भाषण के लिए राजनीति सीखना चाह रही है तो खुद है। अच्छा, राजनीति सीखना चाह रही है? अच्छा, राजनीति में किसके जैसा बनना चाहते हैं? मोदी जी की तरह। मोदी जी की तरह। और भी तो हैं जो महिला नेत्री हैं, उनके जैसा नहीं बनना चाहती आप? मोदी जैसा बनना है? हाँ, मतलब उनके जैसा हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है इसीलिए उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको मोदी जी ही पसंद है और उन्हीं के जैसा बनना है? हाँ। आपको? हमको भी मोदी जी की तरह बनना है। देखिए रोल मॉडल देखिए किसी भी क्षेत्र में जो है ना वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका हीरो कैसा है। तो राजनीति में जो नई पीढ़ी आई है वो सामने अपना एक रोल मॉडल देख रही है और ये बच्चों तक चीज़ें पहुंच रही हैं। आने वाले दिनों में आप उनको रोल मॉडल मानकर चलने वाले, मोदी जी को रोल मॉडल मानकर चलने वाले बहुत सारे युवाओं को देखेंगे। ठीक ऐसा ही है जैसे कि क्रिकेट में सचिन को मानने वाले बहुत सारे लोग हुए और सचिन ने कई पीढ़ियों को एक तरह से मैसेज दे दिया और अब आप भारतीय क्रिकेट को देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ स्वस्थ राजनीतिक माहौल पैदा हो और मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुछ सच्ची राजनीति देखने को मिले इस देश में, जो बच्चों के मन में पनप रहा है वो राजनीति ज़्यादा निर्मल हो, हम सब उसकी कामना करेंगे। भीड़ धीरे धीरे विदा हो रही है यहाँ से और हम सब भी यहाँ से विदा होंगे। चंदन क्यारी के आसमान से हेलीकॉप्टर्स जा चुके हैं, यहाँ मैदान खाली हो चुका है, उनके प्रशंसक यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत सारे मैसेज जो यहाँ पर देने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसका असर हुआ है या नहीं हुआ है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले चुनाव में वो किस तरह से उनका टर्नआउट होता है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।